हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग गूगल बार्ड की मदद से किसी वस्तु, जानवर या स्थान या फिर किसी पेड़ पौधे को पहचानना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा कमाल का तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग फोटो अपलोड करके उसे जान सकेंगे और पहचान सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी गूगल बार्ड पर किसी वस्तु, जानवर, स्थान या फिर किसी पेड़ पौधे के फोटो को अपलोड करके उसे पहचानना या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस तरफ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दे रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर ले। तो चलिए गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ऐप को ओपन करने के बाद वेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद सर्च बार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सर्च बार पर लिखें गूगल बार्ड। तो चलिए लिख लेते हैं गूगल बार्ड। लिखने के बाद सर्च कर ले। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप यहां पर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे बार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप यहां पर नीचे की और लेफ्ट साइड में नजर आ रहे प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का नीचे से विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर आप सिंपल सा अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर अगर आप अभी फोटो क्लिक करके आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही फोटो स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट वाले फोटो को भी यहां पर पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में, या फिर आप पहले से फोटो खींच रखे हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही फोटो को स्क्रीनशॉट ले रखा है, उस फोटो के बारे में मुझे जानना है, तो इसके लिए यहाँ पर अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप यहां से फोटो ले सकते हैं। अगर आप कहीं और से फोटो लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहां से मैं फोटो ले लेता हूं। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी फाइल से आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट वाले में फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इस वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद वेट करें, अपलोड होने का इंतजार करें। अब फोटो फाइनली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर फोटो के ठीक ऊपर नजर आ रहे इंटर ए प्रॉम्प्ट हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें ऊपर की ओर। फोटो के ठीक ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ लिख दे, जैसे कि इस फोटो के बारे में मुझे जानना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉक अबाउट दिस फोटो, लिख देते हैं। तो लिखने के बाद सिंपल सा इस बॉक्स के ठीक राइट साइड में नजर आ रहे तीर के निशान पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करते हैं। वेट करने के बाद देख सकते हैं दोस्त, इसके बारे में बता दिया है। दोस्तों देख सकते हैं, द फोटो शोज ए रोबोट विद ए ह्यूमन फेस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन। इसके बारे में देख सकते हैं, पूरा डिटेल बता दिया है दोस्तों। वहीं अगर आप इसके बारे में हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऊपर की और राइट साइड में नजर आ रहे पेन वाले आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर लिख दे सिंपल सा इन हिंदी लिख दे। लिखने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वेट करें। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में इसके बारे में पूरा डिटेल लिख दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। यह तस्वीर एक रोबोट को दिखाती है जिसके ऊपर एक हिंदी में एक उदाहरण है भविष्य के टेक्नोलॉजी। दोस्तों देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल लिख दिया है। तो दोस्तों, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी गूगल बार्ड की मदद से किसी वस्तु, स्थान, जानवर या फिर किसी भी पेड़ पौधे के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।